गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. सो टुडेज टॉपिक इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. सो बिफोर स्टार्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वी जस्ट डिस्कस सम प्रीवियस पॉइंट और इंट्रोडक्टरी पॉइंट वेयर यू हैव रीड व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज classification and diversity, how it is interrelated to each other. We have discussed in previous lecture about introductory part of classification in living organisms. So today's we will start basis of classification. Now student, now you understood very clearly ki koi bhi बेस होना चाहिए, क्लासिफिकेशन के पीछे कोई आधार होना चाहिए. ठीक है, जैसे आप क्लास सिक्स से सेवन्थ में आते हो, सेवन्थ से एट्थ में आते हो, एट्थ से नाइन्थ में आते हो, तो एट्थ से नाइन्थ में आने का कुछ बेस होता है. आपने मार्क्स अच्छे लिए होते हैं सब्जेक्ट वाइज, तभी आप नाइन्थ में आते हो. तो ये क्या हुआ, बेस हुआ. किसी बेस पर आप सिक्स से सेवन्थ में आए, सेवन्थ से एट्थ में आए और एट्थ से नाइन्थ में. तो देर आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट शुड बी प्रेजेंट during classification. So this is called as basis of classifications. So basis of classifications attempt at classified living organisms into group have been made since time immemorial. Greek thinkers Aristotle classified animals according to whether they lived on अटैम्प्ट एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इन टू ग्रुप. सबसे पहले जो ग्रीक थिंकर्स थे एरिस्टॉल, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स किस जगह पर रहते हैं. यदि वो वाटर पर रहते हैं तो वाटर ऑर्गेनिजम्स, एयर पर हैं तो एयर ऑर्गेनिजम्स, लैंड पर तो लैंड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बट ये जो सिस्टम था ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं था. ठीक है, अब उस समय पर स्टार्टिंग में कि अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड वाटर एंड एयर, जैसा उनका हैबिटेट था. हैबिटेट मतलब बच्चों क्या होता है, उनका रहने की प्लेस, जिस जगह पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हैबिटेट. अकॉर्डिंग देयर हैबिटेट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग देयर हैबिटेट, ये किसने किया था, ये किया था एरिस्टॉल ने. ठीक है, कौन थे ये, ग्रीक थिंकर्स. इट इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग ऑफ लाइफ बट मिसलीडिंग टू. फॉर एग्जांपल्स, ये बहुत एक सिंपल वे था कि यदि वाटर में ऑर्गेनिजम्स है तो वाटर ऑर्गेनिजम्स होगा, एयर पे है तो एयर वाला होगा, फ्लाई करने वाला तो फ्लाई करने वाला होगा. बट इसमें अ लॉट ऑफ मिसलीडिंग्स टू, बहुत सारी प्रॉब्लम थी. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट लिव इन सी इंक्लूड कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टार फिश एंड शार्क. उन्होंने एक एग्जाम्पल्स लिया, मतलब क्या प्रॉब्लम थी. यदि वाटर ऑर्गेनिजम्स है तो उनमें क्या प्रॉब्लम थी, वो क्लासिफिकेशन का बेस क्यों नहीं हुआ. उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल्स वी टेक एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर ऑर्गेनिजम्स, तो वाटर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ रहे हैं, कोरल्स. ठीक है, ठीक है, क्या इंक्लूड किया, कोरल्स, वेल, ऑक्टोपस, स्टार फिश एंड शार्क. सब में एक तो कॉमन थिंग है कि सब वाटर ऑर्गेनिजम्स, ऑल हैबिटेट, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव हैबिटेट ऑफ वाटर. सबका हैबिटेट क्या है, वाटर है. बट उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टार फिश एंड शार्क, इनके जो डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं. या वो उनके एक बॉडी स्ट्रक्चर पॉइंट पर होंगे, या उनकी वे ऑफ लिविंग पर होंगे, या मेटामॉर्फिक फॉर्म पर होंगे. मेटा जो मॉर्फोसिस होता है या जो फिजियोलॉजी प्रोसेस होती है उनके अकॉर्डिंग उन सब में बहुत चेंज है. जैसे फॉर एग्जांपल्स, ठीक है ना, ये ऑक्टोपस हैं, स्टार फिश हैं, शार्क है, ये लंग से रेस्पिरेशन कर रही है, बाकी और जो लंग से रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं. तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस. कोरल्स का जो है इसका बॉडी फॉर्म बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, तो ये वाटर में तो है बट बॉडी जो फॉर्मेशन है वेरी वेरी सिंपल. और आपको पता है वेरी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स कम इन
इनिशियल स्टेज, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स स्टेज में। सो स्टूडेंट वन थिंग इज क्लियर दैट कि एक हैबिटेट के बेस पर क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी मिसलीडिंग्स थी। वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन न्यूमरस वे, मतलब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, कोरल्स, व्हेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट थे बहुत सारे वेज पर, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर पर, इनकी मेटामॉर्फिसिस पर, ठीक है, इनकी बॉडी के जो सिस्टम है उसके बेस पर बहुत सारे डिफरेंसेस थे। इन फैक्ट देयर हैबिटेट इज़ द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन, इन सब में सिर्फ एक ही बात कॉमन थी कि सबका हैबिटेट सेम था। बट दिस इज़ नॉट गुड एज अ वे ऑफ मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी एंड थिंक अबाउट, लेकिन एक यही एक हैबिटेट ही एक ऐसा वे नहीं है जिससे कि क्लासिफिकेशन किया जा सके। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होना चाहिए जिससे कि क्लासिफिकेशन पॉसिबल हो। वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज एज द बेसिस ऑफ फॉर मेकिंग एंड ब्रॉडेस्ट डिवीजन, मीन्स कुछ ऐसे परफेक्ट बेसिस होना चाहिए, ठीक है, जो डिसाइड करें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कि डिवीजन कैसे होना है। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग सब ग्रुप विद इन दिस डिवीजन। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए जो सब ग्रुप में सेम है। विद इन दिस डिवीजन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन बी कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम, मतलब क्लासिफिकेशन जैसे हम ब्रॉडर से लोअर की ओर पर जा रहे हैं तो हर लेवल पर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आना चाहिए। बिफोर वी गो ऑन, आप समझे स्टूडेंट क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल्स यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन किस में आ रहा है? फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। फिर किस में आ रहा है? एनिमल किंगडम में। फिर किस में आ रहा है? मैमल्स में। तो कितने क्लासिफिकेशंस की लेयर हो गई? सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेकंड वन एनिमल्स, थर्ड वन मैमल्स, फिर मैमल्स के बाद फिर ह्यूमन बीइंग, उसमें भी बहुत सारे आ रहे हैं प्राइमेट्स, फिर प्राइमेट्स के बाद ह्यूमन बीइंग। तो ये कितनी लेयर हो गई? कई लेयर हो गई। तो मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टर का और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के जो सेट हैं वो हर लेवल पर इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स, और स्टार्टिंग से मीन्स ब्रॉड डिवीजन से लोअर डिवीजन्स की ओर वी हैव टू मूव। हमको मूव क्या करना है? सबसे पहले ब्रॉडेस्ट डिवीजन, फिर लोएस्ट डिवीजन। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग सब ग्रुप विद इन दिस डिवीजन। अब एक डिवीजन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉडेस्ट डिवीजन। अब इसके बाद कुछ और नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लेना, कुछ और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट लेना है जो ऑर्गेनिजम्स को सब ग्रुप में डिवाइड करे, ठीक है। पहले कुछ हम लोगों ने कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट लिया जो उसको ब्रॉडेस्ट डिवीजन में डिफाइन करेगा, फिर नेक्स्ट लेवल में फिर नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिए जो उसको सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। विद इन दिस डिवीजन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक बार हम डिवीजन में ले चुके हैं, अब वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर उस डिवीजन पे नहीं आएंगे, दूसरे डिवीजन के लिए हमें दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट लेना होगा, ठीक है। वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे हम कितने कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप लेंगे, ठीक है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी नीड टू फाइंड वे इन विच सम देम आर सिमिलर एनफ टू बी थॉट ऑफ टुगेदर। क्या किया है
when we are trying to classify a diverse group of organisms, जब हम एक डाइवर्स ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने के लिए ट्राई करते हैं, वी नीड टू फाइंड वे इन विच सम ऑफ देम आर सिमिलर एनफ टू थॉट ऑफ टुगेदर. दिस वे इन फैक्ट आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर. सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स का डिटेल्स में क्या देखते हैं, अपीयरेंस एंड बिहेवियर. इन अदर वर्ड, फॉर्म द फंक्शन. फिर उसके बाद उसका क्या फंक्शन है. देन वी मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ पर्टिकुलर फॉर्म एंड पर्टिकुलर फंक्शन. और उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म करते हैं. क्लियर स्टूडेंट? मीन्स पहले उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखा, उसका बिहेवियर देखा, फिर उसका फंक्शन देखा, फिर उससे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्टिकुलर फंक्शंस को डिफाइन किया. दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट मोस्ट ऑफ अस have five finger, in each hand is a characteristic. जैसे for examples, you have five fingers, so this is characteristics feature. So characteristics feature क्या है, जिससे कि वो character और वो points जिससे कि हम उसको classify करते हैं. Characteristics that we can run, और इस characteristics feature के कारण जो five हमारी fingers हैं, we can run. But the banyan tree cannot, लेकिन tree में ये function नहीं है. It is also characteristics. तो ये जो five fingers हैं हमारे हाथ में, human being के हाथ में के fingers और hand में, each hand consist of five finger, it is characteristic feature. Because with the help of this five fingers, we can run. But banyan tree cannot. ठीक है, banyan tree क्यों नहीं कर रहा, because it is in इंक्लूड इन प्लांट्स. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स. बनियान ट्री क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसमें नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है बट वो एनिमल नहीं है. ठीक है, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ. नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइडेड टू बींग मोर फंडामेंटल देन अदर्स, लेट अस कंसिडर हाउ स्टोन वॉल इज बिल्ड. ठीक है बेटा, द स्टोन यूज विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज. द स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस देयर चॉइस ऑफ स्टोन बट कम बिलो दैम. ऑन द अदर हैंड, द शेप एंड साइज ऑफ स्टोन इज द लोअर मोस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट लेयर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई एक डिफरेंट स्टोन्स हैं जो डिफरेंट शेप के और डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है, तो स्टोन्स जो टॉप के जो स्टोन्स हैं और बॉल है वो, ठीक है, वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन. वो स्टोन के चॉइस से क्या होगी, इन्फ्लुएंस होगी, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. दैट कम बिलो देन, कि उसके बाद दूसरा कौन सा स्टोन आया, तीसरा कौन सा स्टोन आया. ऑन द अदर हैंड, और हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ स्टोन इन लोअर मोस्ट लेयर विल डिसाइड द, जो लोअर मोस्ट लेयर है उसकी शेप और साइज इसके ऊपर डिपेंड करती है, विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ नेक्स्ट लेयर एंड शो सो ऑन. नीचे की जैसे आपने स्टोन्स रखे हैं और उसी तरीके के स्टोन्स आपको फिर आगे रखना पड़ेगा जो कि बॉल की शेप और साइज को डिसाइड करेगा. तो यदि हमें एक अलग शेप की वॉल बनानी, तो उसके स्टोन्स अलग तरीके के होंगे, ठीक है, उसका अरेंजमेंट अलग तरीके का होगा. सीधी वॉल बनानी तो उसका अरेंजमेंट अलग तरीके का होगा. सो वी कैन से, इन ब्रीफली वी कैन से, द स्टोन इज द लोअर मोस्ट लेयर इज लाइक द कैरेक्टरिस्टिक्स. जो नीचे की जो स्टोन बॉल की जो सबसे नीचे वाली लेयर है, बेसिकली वो एक कैरेक्टर फॉर्म कर रही है. ठीक है, वो ये डिसाइड कर रही है कि बॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा. यदि वो सीधी है, स्टोन का शेप सीधा है, तो बॉल सीधी होगी. ये वो कर्व शेप है, तो उसकी बॉल कर्व शेप की होगी. एंड दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीज़न अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और इस तरीके से एक ब्रॉडेस्ट डिवीज़न होता है. क्लियर स्टूडेंट? जैसे आप बहुत सारी वेजिटेबल लेकर आ रहे हो और कुछ आप फ्लैश भी लेकर आ रहे हो, तो वेजिटेबल और फ्लैश को आप अलग रखोगे. वेजिटेबल भी ईटेबल थिंग है, फ्लैश भी ईटेबल थिंग है,
बट वेजिटेबल किस में आ रहा है, एक प्लांट्स में आ रहा है, और जो फ्लैशेस हैं ठीक है ना, मीट वगैरह है, वो किस में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, कॉर्निबोर्स पर आ जाएगा। तो एक डिवीज़न हुआ कि नहीं हुआ, कि प्लांट्स के को आपने अलग रखा, उसको आपने अलग रखा, तो दिस इज कॉल्ड एज डिवीज़न। आई थिंक स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट्स ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं वो इफेक्ट इंडिपेंडेंटली उसका कैरेक्टर फॉर्म करते हैं और फंक्शंस को भी फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर एनिमल है ठीक है, फिशेज हैं, फिशेज हैं, तो उनको हमेशा वाटर पर रहना है, तो वो लंग्स के थ्रू तो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ऑर्गन्स क्या, गिल्स है, तो प्रेजेंस ऑफ गिल्स क्या शो कर रही है कि वो रेस्पिरेशन किससे करेंगे, वो रेस्पिरेशन गिल्स से करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसके ऊपर इफेक्ट करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट्स ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वैसे ही ऑर्गेनिजम्स का फंक्शन होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइडेड द वेराइटी इन द नेक्स्ट लेवल। अब जो कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट लेवल का सेट होने वाला है जिससे उसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा, वो प्रीवियस से इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो प्रीवियस से बिल्कुल टोटली अलग हो, कहीं ना कहीं उससे वो इंटरकनेक्टेड है ठीक है, और वही उसका नेक्स्ट लेवल डिसाइड करेगा। वी कैन बिल्ड अ होल हायरार्की ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन। और इस तरीके से हम पूरी होल हायरार्की फॉर्म कर सकते हैं। वी कैन बिल्ड अ होल हायरार्की ऑफ द म्यूचुअल रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन। हायरार्की क्या शो करता है, एक इंटर रिलेशन शो करता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एक इंटर रिलेशन शो करता है, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसके बाद, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा इसके बाद ये होगा, मीन्स हायरार्की से आपको एंसेस्ट्री उसकी पता चल जाती है कि ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन कहाँ से होगा। नाउडेज वी लुक एट मैनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ सेल इन ऑर्डर टू क्लासीफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बहुत सारे इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स लेने हैं जो कि कहाँ से हैं, फ्रॉम द नेचर ऑफ द सेल, सेल के स्ट्रक्चर से, सेल प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है। स्टूडेंट यू हैव रीड वेरी क्लियरली प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल। यदि प्रोकैरियोट सेल है तो वो पूरा ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप का होगा, यूकैरियोट सेल है तो वो ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट टाइप होगा। क्यों, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रीड कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट्स ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यदि प्रोकैरियोटिक सेल का कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका फंक्शन भी उसी तरीके से होगा। क्लियर स्टूडेंट, सो वी हैव ऑलरेडी रीड इन अवर लाइन्स। ठीक है, वॉट आर सम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स यूज फॉर हायरार्की क्लासिफिकेशंस इन यूकैरियोट सेल। हेयर इन दिस लाइन वी जस्ट एक्सप्लेन इन डिटेल, इन यूकैरियोट सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स। नाउ स्टूडेंट यू जस्ट रिवाइज योर ऑल पॉइंट्स विच यू हैव रीड इन सेल, यूनिट ऑफ सेल, वेयर यू हैव रीड यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रोसेस के थ्रू आइसोलेट भी हो सकते हैं। तो यदि यूकैरियोटिक सेल है तो वो ऑर्गेनिजम्स कुछ कैसा होगा, वो बहुत एफिशिएंट होगा, उसमें एफिशिएंसी होगी और थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स भी होगा। देयरफॉर ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट हैव अ क्लियर डिमार्केटेड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स वुड नीड टू हैव देयर बायोकेमिकल पाथवे ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वे। नाउ स्टूडेंट दिस लाइन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल क्लियर इट। वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि क्लियर कट न्यूक्लियस नहीं है, मीन्स वो कैसा ऑर्गेनिजम्स है,
वो प्रोकैरियोट है। कैसा है वो? प्रोकैरियोटिक ऑर्गन, प्रोकैरियोटिक सेल है वो। कैसी सेल है वो? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो अब उसमें ऑर्गेनिजम्स, चूँकि उसका क्या न्यूक्लियस डिमार्केटेड नहीं है, ठीक है, और न्यूक्लियस उसका ठीक से अपने फंक्शन को शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे? उनकी बायोकेमिकल प्रोसेस भी डिफरेंट वे की होगी, जिनके न्यूक्लियस डिफरेंशिएट हैं, जिनके न्यूक्लियस, जिन सेल के न्यूक्लियस डिफरेंशिएट नहीं हैं, उनकी बायोकेमिकल पाथवे ओब्वियसली डिफरेंट होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? जिसका न्यूक्लियस क्लियर है उसका पाथवे डिफरेंट होगा, बायोकेमिकल पाथवे, जिसका न्यूक्लियस डिमार्केटेड नहीं है, क्लियर नहीं है, उसका पाथवे डिफरेंट होगा। दिस वुड हैव अ इफेक्ट्स ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ सेल डिजाइन। फर्दर न्यूक्लियेटेड सेल वुड हैव कैपेसिटी टू पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जिनका न्यूक्लियस कैसा है? डिमार्केटेड है, क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पूरे हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स में एक नेचर होगा कि वो कैसे होंगे? द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कैन टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शन, क्योंकि उस न्यूक्लियस में एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, कैपेसिटी है डिवाइड होने की। देयरफॉर दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन, और टाइप्स ऑफ सेल को इसलिए बेसिक क्लासिफिकेशंस डिवीजन में दिए। क्या है? टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल। सो स्टूडेंट, हेयर वी हैव फिनिश अवर लेक्चर, बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, सो यू विल रीड फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ सेल, सेल इज यूकैरियोटिक और सेल इज प्रोकैरियोटिक, एंड नेक्स्ट पॉइंट्स we will discuss in next class. Thank you student, have a nice day. You just read each and every points from your NCERT, because this is very, very nice book. There is no need of other book, student. Thank you student.